तो सुपर 30 में आपको सबसे पहले दिखाते हैं आपके राज्यों की खबर। राजस्थान की बात करें तो यहां राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक अगले 4 मिनट आपको हर शहर का अपडेट दिखाएंगे। सबसे पहले बात जगमगाती प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की करते हैं। तैयारियां जोरों पर है, इसी बीच शुक्रवार को लेजर शो का नजारा दिखाई दिया। पूरी अयोध्या नगरी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाती दिखाई दी। इसके अलावा सरयू आरती में भी हजारों लोगों की भीड़ नजर आई। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस बार दीपोत्सव के मौके पर राम की पैड़ी के घाटों पर 17 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनेगा। इसके अलावा 12 तरह के लेजर शो का भी प्रदर्शन होना है। सरहद पर तैनात जवान भी अपने स्टाइल में त्योहार मना रहे हैं। ये तस्वीर जम्मू की है, जहां जवानों ने कैंडल और फुलझड़ी जलाकर दिवाली मनाई। आर एस पूरा सेक्टर में दीपावली से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच सैनिकों ने पहले ही दीपावली का आयोजन किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। इस जश्न में कई महिला सिपाही भी शामिल थी। सभी ने साथ में फुलझड़ी जलाई और बाद में हाथ में मोमबत्ती लिए एक साथ फोटो भी खिंचवाई। लोगों को ये तस्वीर काफी पसंद आ रही है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतार दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे की है। शुक्रवार को दिल्ली NCR के हर हिस्से में ट्रैफिक की ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी। ऑफिस से निकलकर कुछ लोग दिवाली की शॉपिंग में जाते दिखे तो कुछ त्योहार के मौके पर घर रवाना हो गए। वीकेंड के साथ दीपावली होने पर छुट्टी पर जाने वालों की संख्या भी काफी थी। दूर दूर तक रोड पर जरा सी भी स्पेस नजर नहीं आ रही थी। कार से लेकर बस, सड़क पर स्ट्रीट लाइट से ज्यादा इन गाड़ियों के हेडलाइट की रोशनी दिख रही थी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में शुक्रवार को 3 नकाबपोश बदमाश दिन दहाड़े बैंक से लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। इन चोरों की पूरी हरकत CCTV कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि बंदूक की नोक पर इन आरोपियों ने लगभग 7 लाख रुपए लूटे हैं। पैसे मिलते ही तीनों बैग लेकर बाइक से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। CCTV फुटेज के आधार पर फिलहाल चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने जल्द सभी को पकड़ने की बात कही है। शुक्रवार को PM मोदी के बद्रीनाथ दौरे के दौरान लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री को देखने वहां कार्यकर्ताओं और लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। देखिए कैसे लोग घरों की छत से हाथ हिलाकर PM का स्वागत कर रहे हैं। तो वहीं ब्रिज पर खड़े होकर PM मोदी ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। बता दें कि इससे पहले PM ने शुक्रवार को केदारनाथ धाम में भी पूजा अर्चना की थी। धधकती आग की ये तस्वीर दिल्ली की रोहिणी की है। शुक्रवार को जब एक बैंक्वेट हॉल में आग लगी तो चारों ओर चीख पुकार मच गई। काले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है। फिलहाल आग कैसे लगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई में अभी भी बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को भी कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिसके बाद कई जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिली। ये तस्वीर नवी मुंबई इलाके की है। भारी बारिश के बाद यहां भी सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जगह जगह जल भराव के कारण गाड़ियों के पहिए भी रुक रुक कर चल रहे थे, लिहाजा लोगों को घंटों ट्रैफिक में अपना वक्त जाया करना पड़ा। फिलहाल बारिश रुकने के बाद स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो कर्नाटक के तुमकुर जिले से सामने आया है। यहाँ लोगों ने रोड के रिपेयरिंग की मांग को लेकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। सड़क पर मौजूद इन लोगों ने पहले नारेबाजी की और फिर कीचड़ से नहाकर वहाँ की सड़कों के खस्ता हाल का विरोध किया। पुलिकेरी में लोगों ने इस अनोखे प्रदर्शन के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर कर्नाटक के लोगों का ये विरोध तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे में जल्द ही गड्ढे से भरे इस रोड की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। चलिए सुपर 30 में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात मेक्सिको की, जहां एक एक्सीडेंट ने कई घरों को बर्बाद कर दिया। मेक्सिको के एग्वास्कालियंटिस में शुक्रवार को एक मालगाड़ी और फ्यूल टैंकर में जबरदस्त टक्कर हो गई। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि पहले ब्लास्ट हुआ और उसके बाद 12 से ज्यादा घर आग की चपेट में आ गए। इलाके में फैले धुएं को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी भयानक होगी। बता दें कि यह हादसा तब हुआ जब एक फ्यूल टैंकर रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था और अचानक से आई मालगाड़ी से उसकी टक्कर हो गई।
फिलहाल बचाव कर्मियों ने 1500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक ट्रक अचानक से रोड पर पलट जाता है। तस्वीर थाईलैंड की है, जहां लोडेड ट्रक अचानक से संतुलन खो देता है और सड़क किनारे पलट जाता है। बताया जा रहा है कि यह हादसा बाइक वाले को बचाने के चक्कर में हुआ। ड्राइवर ने सामने से आ रहे शख्स को बचाने के लिए ट्रक को इस तरफ मोड़ा, जिसके बाद वो अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि इस बीच राहत की बात ये रही कि ड्राइवर को इस एक्सीडेंट में चोट नहीं लगी और वो बच गया। ये घटना 10 अक्टूबर की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। ये तस्वीर दक्षिण सूडान की है, जहां बाढ़ और बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, घर पानी में डूब चुके हैं, पूरा इलाका जलमग्न है, सड़कों का कनेक्शन टूट चुका है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि लोगों को खाने की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस कुदरती आफत से 9 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसे में सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और साथ ही मदद भी मुहैया करवाई जा रही है। ये तस्वीर इंग्लैंड के बर्मिंघम की है। बोर्ड पर वार्निंग साफ दिखाई दे रहा है कि पुल पर पानी भरा है, इसे क्रॉस ना करें। हालांकि इसके बाद भी एक कार सवार पानी से भरे पुल से गाड़ी पार करने की कोशिश करता है। नतीजा ये होता है कि गाड़ी का इंजन ऑफ हो जाता है और कार पानी के बीच में ही फंस जाती है। वार्निंग के बावजूद भी कई कारें वहां से निकलती हैं। आखिर में पुल पर फंसे कार को खींच कर निकाला जाता है। इस बीच वहां मौजूद एक शख्स पूरी घटना कैमरे में कैद कर लेता है। और सुपर 30 में अब आपको बताते हैं खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे। T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़े उलटफेर में आखिर कौन सी टीम ने किसको हराया, देखिए। T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज मुकाबला खत्म हो गया है। इस स्टेज में शुक्रवार को आयरलैंड की टीम ने सबसे बड़ा उलटफेर किया। आयरलैंड की टीम ने दो बार की T20 वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज को हराकर सुपर 12 में अपनी जगह पक्की कर ली। आयरलैंड ने शानदार अंदाज में कैरिबियाई टीम को 9 विकेट से मात दी और 15 गेंद रहते ही मैच जीत लिया। वहीं दूसरी ओर जिम्बाब्वे की टीम ने भी टॉप 12 की रेस के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्कॉटलैंड को हराकर जिम्बाब्वे ने विश्व कप में अपना सफर जारी रखा है। ग्रुप स्टेज मुकाबला खत्म होने के बाद आज से T20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 की जंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच दोपहर 12:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों की कोशिश रहेगी कि वो जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करें और टॉप 4 की रेस में सबसे आगे रहें। बता दें कि दोनों टीमें पिछले विश्व कप की फाइनलिस्ट हैं। ऐसे में इस मैच के रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। होम ग्राउंड में मुकाबला खेले जाने से ऑस्ट्रेलियाई टीम को इसका थोड़ा फायदा मिलेगा। T20 विश्व कप में कल भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। इसी बीच मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भारतीय टीम को अपने अंदाज में बधाई दी है। वीडियो में सचिन तेंदुलकर पहले कुछ शॉट्स खेलते हैं और उसके बाद टीम इंडिया को शुभकामनाएं देते हुए ट्रॉफी घर लाने के लिए कहते हैं। बता दें कि टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच कल 12:30 बजे से मुकाबला शुरू होगा। फैंस इसको लेकर काफी एक्साइटेड हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं फिल्मी दुनिया के लेटेस्ट अपडेट। शुरुआत करते हैं तापसी पन्नू के दिवाली पार्टी से, जहां फिल्मी सितारों ने खूब मस्ती की है। बॉलीवुड सेलेब्स इन दिनों दिवाली पार्टी आयोजित करने में बिजी हैं। इसी बीच तापसी पन्नू ने भी पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में फिल्म जगत की कई हस्तियां शामिल हुई। रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूजा, रकुत प्रीत, जैकी भगनानी, नेहा धूपिया, आनंद बेदी ने भी दिवाली पार्टी की शोभा बढ़ाई। इस दौरान प्रतीक गांधी भी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। बता दें कि तापसी ने अपने प्रोडक्शन हाउस आउटसाइडर्स फिल्म्स के साथ दिवाली पार्टी की। उन्होंने एक निर्माता के रूप में नई शुरुआत का जश्न मनाया। इस साल की ब्लॉकबस्टर मूवी RRR इन दिनों विदेशों में भी धमाल मचा रही है। इसी कड़ी में ये मूवी शुक्रवार को जापान में रिलीज हुई। इस मौके पर फिल्म के सारे कलाकार जापान में फिल्म के प्रमोशन में जुटे हैं और साथ में सभी मस्ती करते भी दिखाई दे रहे हैं। सुपरस्टार रामचरण और जूनियर NTR लगातार फैंस से मिल रहे हैं। रामचरण ने वहां पर कुछ समय स्कूली बच्चों के साथ भी बिताया और सभी के साथ खूब एंजॉय किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी शेयर की हैं। इस दिवाली पर साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जवानों के बीच नजर आएंगे। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से इस बात की जानकारी दी है।
उन्होंने लिखा कि ये बेहद शानदार अनुभव है। बंदूक, नाइट पेट्रोल और बोट रेस ने मुझे काफी कुछ नया सिखाया। सोशल मीडिया पर उन्होंने फील्ड पर फायरिंग करते हुए भी वीडियो पोस्ट किया है। इसमें वो आर्मी के जवान के साथ राइफल से फायर करते दिखाई दे रहे हैं। फैंस को एक्टर का ये नया दिवाली लुक काफी पसंद आ रहा है।